इस किताब को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी स्वाधीनता आंदोलन के दौरान की वैचारिकी अलग अलग विचारधारा पर बहुत सारी बातें हो चुकी है। और अभी हाल में दिलीप मंडल ने भी बहुत सारे ऐसे सवाल उठाए हैं जिन पर हम चाहें तो जितनी देर बहस हुई है अब तक उतनी देर और हो सकती है, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा। उसकी एक वजह यह है कि मुझे जब ये किताब मिली तो मैं नेक्स्ट डे मैं जा रहा था किसी दूसरे राज्य में एक सेमिनार में और चुनाव का जायजा भी लेने मुझे मौका मिला था कि इस सेमिनार के बहाने मैं चुनावी माहौल का एक थोड़ा सा भी देखूं। तो जब मैं इस किताब को अपने बैग में ले गया कि मैं इसको पढ़ता जाऊंगा, फ्लाइट में मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी, जब तक वो जगह आ गई थी बहुत जल्दी थी, और फिर इसके बाद बिल्कुल मौका नहीं मिला कि मैं इस किताब को शुरू से और आखिर तक मैं पढ़ सकूँ। लेकिन इसके जैसा कि लोगों ने बताया और आप सब जानते हैं कि बहुत पहले इसके लेख छपा था बहुत बड़ा, जिस पर बहुत विवाद हुआ था, उस दौरान मैंने अरुंधति का ये कमेंट ये लेख पढ़ा था, उस पर विवाद भी मैंने पढ़े थे। इस दौरान जब ये काम होना था, जब ये सेमिनार यहाँ लोकार्पण होना था, तब भी मैं सबकी निगाह से इस किताब को देख लिया। इसलिए आज आप सबके बीच ये वादा करता हूँ, मैं भी किसी और ने भी किया, कि मैं इसको शुरू से आखिर तक पढ़ूंगा और समीक्षा जरूर लिखूंगा, क्योंकि अब इतनी सारी बातें इस पर हो चुकी हैं, इतने विवाद अपने भी टाइम से हो चुके हैं कि इस पर लिखा जाना बहुत जरूरी है फिर से एक बार। लेकिन एक बात के लिए मैं अरुंधति राय की प्रशंसा करूंगा और इसके दोनों अनुवादकों को, कि अक्सर होता क्या है कि हम हिंदी वाले हम लोग जिस तरह की मेहनत अरुंधति अपने लेखों में करती है, अपनी किताबों में करती है, मैं उपन्यासों की बात नहीं कर रहा हूं, उनके सामाजिक आर्थिक विषयों पर लिखे हुए लेख किताबें जिस तरह की मेहनत करती है, जिस तरह का शोध करती है, वो काबिल तारीफ ही नहीं है। कई मामलों में मैं कहूंगा कि हमारे समाजन जो हमारे जो पिछड़े समाज है, जो हमारे हाथी का समाज है, उसके जो बौद्धिक है, उसके जो उभरते हुए युवा लेखक हैं, पत्रकार हैं, उनको अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में परंपरा क्या रही है, हमारे देश में परंपरा रही है कि हम लोग दार्शनिक पुरुष हो जाते रहे हैं, हम लोग विचारक हो जाते रहे हैं, हम लोग बहुत बड़े लेखक तत्काल हो जाते रहे हैं, और हिंदी में ये लोग बहुत ज्यादा है। हिंदी में जैसे ही लोग 50 पूरा करते हैं वो तुरंत विचारक हो जाते हैं, दार्शनिक हो जाते हैं, चिंतक हो जाते हैं, और मजे की बात यह है कि ऐसे ऐसे विषयों पर वो लिख देते हैं जिन विषयों पर वो मूल ग्रंथ भी, उन पर काम किए हुए अतीत के रिसर्च भी उन्होंने कभी कंसल्ट नहीं किया होगा। और ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आज दौर चल रहा है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये तो बहुत पहले से है, व्हाट्सएप नहीं था, इंटरनेट नहीं था, लेकिन अपने यहाँ तो बार बार आपको कहा जाता रहा है कि वेदों में ये लिखा है। आप पूछिए वेद पढ़ा है कब, किस वेद में लिखा है, वो कहेंगे नहीं, उनको देखने को भी नहीं मिलता। आप कहिए कि आप वो कहेंगे कि हमने ये देखा है, ये सुना है, लेकिन वो नहीं बताएंगे। और यही कारण है कि आज जो विचारधारा सत्ता में है वो अफवाहों के बल पर, फेक न्यूज जो आज कहा जा रहा है उसके बल पर, ये इतनी वैचारिकी को बिना विचार के अपनी वैचारिकी को स्थापित किए हुए हैं। तो इसलिए अरुंधति राय को मैं इस काम के लिए कि हिंदी में आई है वो अनुवाद के ही सहारे, कम से कम हिंदी के पाठक इससे प्रेरित होंगे, इससे देखेंगे कि किस तरह किसी एक विषय पर काम करते समय मेहनत की जाती है और शोध किया जाता है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा बगैर किसी विवाद में पड़े, कि देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत में स्थापित करने का श्रेय अरुंधति राय को नहीं है या विश्व में भी नहीं है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत पहले लंबे समय तक उनको नजरअंदाज किया गया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत पहले हमारे देश के तमाम जो हाशिए के लोग हैं, दलित हैं, बहुजन हैं, उनमें बहुत पहले स्थापित हो चुके थे। पूरी दुनिया में उनके बारे में सोचा जा रहा था, विचारा जा रहा था, कई यूनिवर्सिटीज में उन पर काम हो रहे थे,
और इस देश में अगर उनको एक विचारक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, बदलाववादी एक दार्शनिक के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसी एक व्यक्ति को अगर देना आप चाहें तो आप कांशीराम को दे सकते हैं। लेकिन कांशीराम को जो श्रेय दे रहे हैं वो भी उत्तर भारत में, महाराष्ट्र में पहले ही जो वहां का दलित मूवमेंट था उसने अम्बेडकर को छापना शुरू कर दिया। स्वयं अम्बेडकर अपने को छापते थे, उनके पास जिस समय वो काम कर रहे थे उनको भी मेनस्ट्रीम मीडिया वैसे ही नजरअंदाज करता था जैसे आज के बहुत सारे दलित बहुजन नेताओं को करता है। उनको चार चार मैगजीनें निकालनी पड़ी, लंबे समय तक जो चली उनकी मूवमेंट मैगजीन आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण वो परिपत्र है, उसको जरूर हमें खासकर लाइब्रेरी में या जहाँ भी चले जरूर देखना चाहिए कि किस तरह की रचनाएं, किस तरह के लेख, किस तरह की टिप्पणियों की आती। तो जो दलित मूवमेंट महाराष्ट्र का है, मराठी में जो काम हुआ, जो उनकी किताबें आई, अगर हिंदी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कांशीराम को ये एक मैं श्रेय देता हूँ कि उन्होंने अम्बेडकर को न केवल जो हिंदी क्षेत्र में उनको नष्ट कर दिया गया था, उनके बारे में एक तरह से दफन कर दिया गया था, जिनकी तरह इशारा भी करती हैं अरुंधति अपनी किताब में, उनको फिर से जिंदा कर दिया, फिर से रिलेवेंट नहीं केवल नहीं बनाया बल्कि एक बदलाव के हथियार के महापुरुष की तरह उनको स्थापित किया। तो ये श्रेय सिर्फ और सिर्फ कांशीराम जी को है। मैं इसके लिए अरुंधति राय का जो नाम दिया गया वो मैं समझता हूँ गैर जरूरी है। अरुंधति ने ऐसा क्लेम भी कहीं नहीं किया है, कम से कम जितना मैंने अरुंधति को पढ़ा है। दूसरी बात यह है कि जो मैं कहना चाहता हूँ कि हम पहले भी इस पर बात करते रहे हैं कि हमारे देश की आजादी की लड़ाई जब चल रही थी तो सिर्फ एक कोई विचारधारा नहीं थी। बार बार जब आइडिया ऑफ इंडिया की बात अपने देश में होती है तो लोग समझते हैं कि सिर्फ एक विचारधारा थी या सिर्फ एक विजन था, ऐसा नहीं है। बार बार हमें पहले भी कहा है लेकिन आज के लिए रिपीट करने की जरूरत मुझे महसूस हो रही है कि मैं आजादी की लड़ाई का अगर इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर देखता हूँ तो मुझे उसमें चार चार पांच पांच विचारधाराएं नजर आती हैं, आइडिया ऑफ इंडिया नजर आते हैं। एक मान लीजिए गांधी नेहरू का आइडिया भी आप कह सकते हैं, उसमें भी आप थोड़ा सा भेद कर सकते हैं गांधी और नेहरू है, लेकिन दूसरा आइडिया ऑफ इंडिया आपको लगता है कि अम्बेडकर का है, डॉक्टर अम्बेडकर का। तीसरा एक आइडिया ऑफ इंडिया भी है, काफी मिलता जुलता भरत सिंह का है। चौथा एक आइडिया ऑफ इंडिया है जो 1925 में बनी उस संस्था का है जिसके जो बाद के लोग हैं या जिनके राजनीतिक जो नुमाइंदे हैं आज जिस पर बात कर रहे हैं वो भी एक आइडिया ऑफ इंडिया है। लेकिन दोनों में मूल फर्क मैं बार बार कहता हूँ अपने लोगों के बीच कि एक आइडिया ऑफ इंडिया जो इकलौता है यानी 1925 में बड़ी उस संस्था का, वो भारत को पीछे ले जाने की बात करता है और शेष जो अन्य विचारधारा है, अन्य जो विजन है, वो भारत को थोड़ा आगे ले जाने की बात करते हैं। उसमें कुछ बहुत आगे ले जाने की बात करते हैं और कुछ थोड़ा सा ठहर कर करते हैं, गांधी ठहर कर करते हैं। मुझे लगता है कि गांधी की सबसे बड़ी जो समस्या है कि वो उस घेरे से नहीं निकल पाते जो घेरा हमारे पौराणिकता में है, जो हमारी तथाकथित हिंदुत्वा में है, जिसको आज हिंदुत्वा कहा जाता है, वो वर्णाश्रम धर्म के न केवल पक्ष में खड़े होते हैं बल्कि उसका पुरजोर, उसको पुरजोर ढंग से डिपेंड करते हैं। मैं इस पर थोड़ा सा, क्योंकि समय कम है तो मैं बार बार इधर से उधर जा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो मूल बिंदु है इस किताब का उसको छोड़ा जाए। मैं कुछ एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे इस किताब की नजर आती है वो ये कि महात्मा गांधी जो सवर्ण हिंदू भाषी समाज है उसकी जो समाज है उसमें एक सवर्ण सुधारवादी हिंदू बनकर पेश होते हैं, जो मैं व्याख्या कर पाता हूँ कि वो एक सवर्ण हिंदू बनकर जो पेश होते हैं। और अम्बेडकर को अगर देखा जाए तो वो उस दायरे को बिल्कुल तोड़ते हैं और वो एक मनुष्य बनकर उभरते हैं।
उनको ये लगता है कि एक मनुष्य केवल भारतीय समाज को बचा सकता है, एक हिंदू नहीं बचा सकता, क्योंकि मनुष्यता और हिंदुत्व के बीच में एक गहरा भेद पाते हैं अंबेडकर। और इसीलिए बार बार अंबेडकर करते हैं, वो केवल यही नहीं करते कि जाति और जनतंत्र एक साथ नहीं चल सकते, वो सिर्फ यही नहीं करते कि राष्ट्र और जाति एक साथ नहीं चल सकते, बल्कि वो ये भी कहते हैं, और कई बार उन्होंने कहा है, एक बार नहीं वो कई बार कहा है, कि देश का जो अपर था, मतलब जिसको हम अपनी भाषा में कह रहे हैं, मैं अम्बेडकर को बिल्कुल कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अम्बेडकर की बात को अपने शब्दों में कह रहा हूँ कि अम्बेडकर थॉट बिल्कुल क्लियरली कहता है कि इस देश के सवर्णों को भी, इस देश का जो वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के पोषक है, उनको भी लिबरेशन की जरूरत है, उनको भी मुक्ति की जरूरत है, और वो मुक्ति तभी हो सकती है जब जातियों का विनाश हो। जातियों के विनाश का आह्वान जब अम्बेडकर करते हैं तो उसमें सवर्ण जातियों को छोड़ते नहीं है। माफ कीजिएगा, अगर हम सही पाठ, अगर हम एलिनेशन ऑफ कास्ट का सही पाठ पेश करें, तो वो सवर्ण हिंदुत्व या सवर्ण हिंदू जातियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनकी मुक्ति का ही दस्तावेज है, और उसके एक एक शब्द के बारीक अगर अर्थों में आप जाएं, तो अम्बेडकर जी को कहते हैं वो ये कभी नहीं सोचते। दूसरे लोग सोचते हैं आज के लोग कि दूसरे लोग जो हमारे जो सबाल्टर्न है, हमारे जो बहुजन है, उनको बिल्कुल हम कुचल कर रखेंगे, उनको कभी उठने नहीं देंगे। अंबेडकर ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते, अंबेडकर कभी नहीं चाहते कि जो लोग हमें पीड़ित किए हुए थे हमको हम कभी उनको पीड़ित करेंगे, ये कभी नहीं सोचते। अम्बेडकर को ये कहते हैं और अम्बेडकर ये भी सोचते हैं कि अगर इस मुल्क को बेहतर बनाना है तो हमें इस समाज में जो सदियों से उत्पीड़न है उसके उसके जो उसका जो स्रोत है उस स्रोत को खत्म करना है, और वो तभी खत्म हो सकता है जब हिंदू धर्म की जो जाति आधारित व्यवस्था है उसको निस्तराभूत कर दिया जाए। और ये अम्बेडकर का है, ये मैं समझता हूँ का मूल पहलू है। एक तो ये मैं बात कहना चाहता था। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था कि जो चूंकि समय कम है इसलिए बार बार मैं इस बात को जोड़ दे रहा हूँ, लेकिन कभी अच्छा होगा कि मुसलमान इसको दिल्ली में जब मैं किताब को शुरू से आपकी तक पढ़ सकते और सब कभी दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस बने डिस्कशन हो, जो जो अनेक मुद्दों पर अरुंधति गांधी के थॉट और अम्बेडकर के थॉट को कंपेयर करते हैं, ये बात सही है, और अनेक मौकों पर वो उनकी कुछ बातों से मैं भी सहमत नहीं हूँ, कुछ बातों से, लेकिन ज्यादातर जो ऐसे मुद्दे उठाती हैं वो अम्बेडकर के जो पश्चिमी सभ्यता को लेकर दिया, जो आधुनिकता को लेकर अम्बेडकर की आधुनिकता और गांधी की जो पश्चिमी सभ्यता का निषेध है या विरोध है, उस पर जो अरुंधति राय कहती हैं उसमें कई ऐसे पहलू हैं जहां पर मुझे लगता है कि जिनसे विचार करने की जरूरत है, उसकी मीमांसा करने की जरूरत है, उसको उस पर बहस की जा सकती है, लेकिन जो उनका ब्रॉडर जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव इस मुद्दे पर है, मैंने समझता कि उसमें कोई समस्या है, समस्या कुछ बारीक जो पहलू है उनमें हो सकती है। जैसे एक जगह पर्यावरण को लेकर जो चिंता है गांधी की, उसकी वो चर्चा भी करती हैं और एप्रिशिएट करते हुए चर्चा करती हैं, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो कृपया करेक्शन कर सकते हैं, और प्रकृति को लेकर और ग्लेशियर के पिघलना और तमाम चीजें उसका भी चर्चा नहीं है। मुझे लगता है कि उसमें ये पहलू बिल्कुल साफ है कि हमारे देश में या दुनिया के अन्य मुल्कों में भी जो बहुत ही खाते पीते समाज के लोग हैं, या जो एक जो कहा जाए कि जो समुन्नत वर्ग है, वो उसकी चिंता ये है और ये वाजिब चिंता है, लेकिन आप उस चिंता में समाज के जो सवाल्टर लिखते हैं उनको आप तब तक शामिल नहीं कर पाते हैं जब तक कि आप उनको एक बराबरी के स्तर पर न लाएं, जब तक मूल प्रश्न जिसकी तरफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इशारा करते हैं कि समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये जो तीन पहलू हैं किसी भी समाज को ट्रांसफॉर्म करने के, जहाँ गांधी उनसे डिफर करते हैं, जहाँ दूसरे तमाम लोग डिफर करते हैं,
जो स्वाधीनता आंदोलन में जो पूरी कांग्रेस की धारा है वो इन पर करती है। जब तक इस पहलू को आप नहीं लाते हैं तब तक जो बड़े सवाल भी के हैं, इस प्रकृति के हैं, इस समाज के हैं, उनको आप नहीं एड्रेस कर सकते। और देखिए इसको ये नहीं है कि पाश्चात्य सभ्यता ने इन इन प्रश्नों को डिस्कस नहीं किया, या अम्बेडकर ने डिस्कस नहीं किया, या दूसरे और जो लोग हैं उन्होंने डिस्कस नहीं किया। आप देखिए जैसे मार्क्सिस्टों के बारे में, कम्युनिस्टों के बारे में एक आमतौर पर एक धारणा है कि वो मशीनीकरण के पक्ष में है, जबकि गांधी मशीनीकरण के पक्ष में नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रेडरिक एंगल्स की डायरेक्टिव्स ऑफ नेचर देखें, या कार्ल मार्क्स के इस विषय पर लिखे हुए बहुत सारे लेख देखें, तो आप पाएंगे कि उसमें भी इस चिंता को लगातार उठाया गया है। और एक दूसरा जो पहलू जो मुझसे छूट रहा है, जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा, कि अम्बेडकर के अगर विचारों को देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बड़ी चिंता अम्बेडकर की थी अपने समाज को, खासकर जो गोलमेज सम्मेलन की चर्चा आरोपी करती हैं और किस तरह से महात्मा गांधी तिलकते हैं, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पूरा का पूरा जो गांधी का नेतृत्व है उनके खिलाफ खड़ा होता है, पूरे देश में दुष्प्रचार किया जाता है। लेकिन उस दौर में अगर आप देखें तो ये बात सही है कि कुछ समय तक के लिए अम्बेडकर अकेले पड़ जाते हैं। मुझे लगता है बार बार कि अगर उस दौर में अंबेडकर के साथ भगत सिंह भी होते, भगत सिंह का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि लंबे समय तक अंबेडकर को भी नजरअंदाज किया गया, जब वो लिख रहे थे तब उसके बाद आजादी के बाद लंबे समय तक ठीक उसी तरह से भगत सिंह को भी नजरअंदाज किया गया। मुझे बार बार लगता है कि भगत सिंह की फांसी, भगत सिंह का फांसी के लिए अपने आप को हवाले कर देना एक तरह से, वो चाहते तो कुछ हो सकता था, हालांकि उन्होंने नहीं चाहा। और इस बारे में उन्होंने लिखा है कि हम क्यों नहीं चाहे, हमने अगर कंप्रोमाइज नहीं किया ब्रिटिश हुकूमत से तो क्यों नहीं किया, क्योंकि उनको लगता था कि आजादी की लड़ाई जिस दौर में पहुंची है वहां अगर किसी भी तरह से हम पीछे हटते हैं, हमारा संगठन पीछे हटता है तो ये आजादी की लड़ाई की जो धार है वो मिल जाएगी। और वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। लेकिन मुझे लगता है बार बार अब एक इतिहास के विद्यार्थी के तौर पे कि काश भगत सिंह जैसा एक नेता, भगत सिंह की पार्टी की तरह एक पार्टी होती, और अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह एक साथ खड़े होते तो निश्चय ही महात्मा गांधी और नेहरू और पूरा का पूरा जो कांग्रेस पार्टी का जो पूरा का पूरा जो एक राजनीतिक जो चिंतन है, जो राजनीतिक धारा है, उसका एक कारगर और एक विकल्प किया जा सकता था। क्योंकि तब पूरा जो सवर्ण हिंदू समाज है, जो अंबेडकर के खिलाफ जिसको खड़ा किया कर दिया गया था, वहां पर एक धारावा था, वहां पर एक एक नया विवाद शुरू होता, क्योंकि भगत सिंह के पास एक ऐसी वैचारिकी थी जिसमें बहुत सारे नए तबकों को भी उसने शामिल किया जा सकता था। देखिए महात्मा गांधी अलग निर्वाचक मंडल के लिए क्रिश्चियंस पर, मुसलमानों पर तैयार हो गए, लेकिन उनका केवल विरोध दलित पर था, उनका अनुसूचित जाति पर था, उनका अछूतों पर था। लेकिन उस समय भी क्या था विचार भगत सिंह का? मैं भगत सिंह को कोट करना चाहता हूँ, हालांकि अम्बेडकर पर चर्चा हो रही है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इस बात को नजरअंदाज मत कीजिए कि किसी भी समाजकार भी कहीं भी बेहतर काम कर सकता है। ये जो सामने बंदा खड़ा है, मैं भगत सिंह और अम्बेडकर दोनों को नहीं पढ़ा था जब मैं थोड़ा वक्त बैठा, क्योंकि हिंदी में भगत सिंह की कोई रचना मेरे पास उस वक्त उपलब्ध नहीं थी जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अम्बेडकर को तो छपने ही नहीं दिया गया था हिंदी में, अम्बेडकर तो हिंदी में बहुत बाद में छपे, अम्बेडकर को हिंदी क्षेत्र में दलितों के मसीहा के तौर पे केवल पेश किया गया था, ये बताया ही नहीं जा सका, ये समझाया ही नहीं जा सका, ये दर्शाया ही नहीं जा सका कि वो कितने महान चिंतक, कितने महान दार्शनिक और भारत के अप्रतिम बेमिसाल बुद्धिजीवी थे, ये तो हम लोगों को मालूम ही नहीं था, क्योंकि किताबें हम लोग छपने नहीं दिया गया, उनके लेखों पर विचार नहीं करने दिया गया। लेकिन ठीक वैसा ही भगत सिंह के साथ हुआ। अब सुनिए भगत सिंह को एक जगह आप केवल, और इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ कि काश भगत सिंह और अम्बेडकर एक साथ खड़े होते उस दौर में और भगत सिंह की फांसी न हुई होती तो इस देश का क्या हुआ। भगत सिंह अछूत समस्या नाम का एक लेख है भगत सिंह का, और बहुत कम लोग जानते हैं भगत सिंह हिंदी में भी लिखे हुए, मूल हिंदी में, पंजाबी में भी लिखते थे और अंग्रेजी में भी लिखते थे और उर्दू भी अच्छी जानते थे, संभवतः लिखा भी। ये लेख जो है कीर्ति में छपा है पंजाबी में, ये
1928 जून का लेख है, याद कीजिए 1928 और 30 के बीच में हम लेकर क्या लिख रहे थे और क्या किन समस्याओं से जूझ रहे थे, आप सुनिए। मैं कोट करता हूं, हमारे देश जैसे बुरे हालात इस वक्त दुनिया के किसी दूसरे देश में नजर नहीं आ रहे, यहां अजब अजब सवाल उठते रहते हैं। एक अहम सवाल अछूत समस्या है, समस्या यह है कि 30 करोड़ की आबादी वाले देश में, उस वक्त 30 करोड़ आबादी देश में, 6 करोड़ लोग अछूत कहलाते हैं, उनके स्पर्श मात्र से घर नष्ट हो जाएंगे, उनके मंदिरों में प्रवेश से देवगण नाराज हो जाएंगे, कुएं से उनके द्वारा पानी निकालने पर कुआं अपवित्र हो जाएगा। ये संवाद, ये सवाल 20वीं सदी में किए जा रहे हैं, जिन्हें सुनते हुए मुझे शर्म आ रही है। ये भगत सिंह जा रहे हैं, गांधी से कभी आपने इस तरह का वक्त नहीं सुना होगा, महात्मा गांधी से या गांधी जी के जितने कांग्रेस में शिष्य परंपरा है, कहीं इस तरह की कोई टिप्पणी आपसे नहीं सुनी होगी। और अगली बार आगे वो क्या करते हैं सुनिए। एक वाक्यांश है भगत सिंह का, जिसमें मदन मोहन मालवीय, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जिन्होंने की और जिनको भारत रत्न भी महान सरकार ने दिया है, उनके बारे में वो क्या करते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि एक मैं एग्जैक्टली कोट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन हाँ वो ये कहते हैं कि एक मदन, एक मालवीय जी हैं, वो मदन मोहन नहीं कहते हैं, एक मालवीय जी हैं, वो अछूतों से माला पहन लेते हैं क्योंकि कांग्रेस का बैनर होता है, लेकिन फिर घर जाकर के पूरे कपड़े में स्नान करते हैं ताकि पवित्रता उनकी बरकरार रहे, जो अछूत की माला वो पहने हैं वो उससे वो ठीक ठाक हो जाए। ये मदन मोहन मालवीय के बारे में बस भगत सिंह का वक्त है। और सुनिए, भगत सिंह की जब फांसी हुई तो पेरियार ने क्या कहा था, ये महज संजोग नहीं है कि उस समय पेरियार उन पर कमेंट कर रहे थे, अंबेडकर कमेंट कर रहे थे, और पेरियार ने अपनी पत्रिका में 1934 में अनुवाद आप देख लीजिए जी जीवानंदन ने दिया था उनके इस अछूत लेख का, अछूत लेख का भगत सिंह के। और जब उनकी शहादत हुई 1931 में, पेरियार पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एडिटोरियल लिखा था भगत सिंह की फांसी के खिलाफ, भगत सिंह की फांसी के खिलाफ। गांधी जी ने बाद में कभी लिखा होगा, नेहरू ने लिखा, अन्य लोगों ने लिखा, लेकिन इस बार पेरियार जिन्होंने भगत सिंह की फांसी पर एडिटोरियल लिखा। इसलिए मित्रों मैं ये कहूंगा, ये अरुण सिंह राय मित्र हैं, नई नई मित्र हैं, उनकी माँ से मेरा पहले का परिचय है 1997 से। बहुत कम लोग जानते हैं कि स्त्री संघर्ष और स्त्रियों की मुक्ति के लिए केरल में इनकी माँ ने क्या किया। हालांकि अंग्रेजी के जो पाठक हैं जरूर पढ़े होंगे, हिंदी और अंग्रेजी में इतना गैप है, इतना गैप है कि बताइए 97 में इनके गांव और इनके इनके इलाके में घूमते हुए मुझे जो बात समझ में आई मुझे पहले कभी नहीं मालूम थी। तो ये बात मुझे नहीं लगता कि बहुत वाजिब है कि किस समाज किस वर्ग का कौन है। राहुल गांधी क्या अगर न होते हिंदी क्षेत्र में तो मैं आज इस तरह का न होता। मुझे अपने बचपन में राहुल गांधी क्या की रचनाओं को पढ़कर मुझे मनुष्य बनने की जिज्ञासा पैदा हुई, वरना मैं भी किसी जाति का होता, किसी वर्ग का होता, किसी धर्म का होता, हो सकता है यहाँ भी लाभ पट्टा बांध कर मैं भी कुछ कर रहा होता, क्या पता। लेकिन जिन रचनाओं ने मुझे प्रेरित किया उसमें तो राहुल गांधी क्या है जो एक पांडे परिवार में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने गांधी और नेहरू की तरह नहीं, वो कंसिस्टेंट है हर जगह, कंसिस्टेंट ये है कि वो कहते हैं तुम्हारे धर्म की छाय हो, तुम्हारी जाति की छाय हो, छाय मतलब नाम, जिस तरह बाबा साहब कहते हैं कि तुम्हारी जाति की नाम हो, ये राहुल गांधी कहन चाहते हैं तुम्हारे धर्म की छाय हो, तुम्हारी जाति की छाय, तुम्हारे व्यापार की छाय हो। और ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हिंदी में गणेश शंकर विद्यार्थी और प्रेमचंद 1936 में प्रेमचंद महाजनी सभ्यता लिख रहे हैं, और महाजनी सभ्यता के अंदर महाजनी सभ्यता को आप पढ़ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उस समय के मर्केंटाइल कैपिटलिज्म, व्यापारी पूंजीवाद, साम्राज्यवाद का संश्रय जो अलायंस है उसका बेहतरीन क्रिटिक है प्रेमचंद के उस लेख में, वो एक कैद समाज में पैदा हुए। तो ये आप ये समझ लीजिए कि 20% या 22% दलित चाहे कितनी लड़ाइयां लड़ रहे लेकिन इस देश को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते।
उनको व्यापक करना पड़ेगा, उनको बड़ी एकता कायम करनी पड़ेगी। जो लोग आज देश पर राज कर रहे हैं, जिन लोगों ने बहुजन समाज को दबा रखा है, वो मात्र 20% है, अधिकतम 20%। अगर 20% लोग इस देश के 80% लोगों को दबाए हुए हैं, तो किस तरह से, किस पोर्टल से, किस स्किल से? अगर 80% लोग, अगर 60% लोग, उन लोगों के पास बात अगर पोर्टल नहीं है, एक महाअलायंस खड़ा कर रहे, एक महागठबंधन खड़ा कर रहे समाज का, तो माफ कीजिएगा, आप बदल नहीं सकते, आप समाज नहीं बदल सकते। और अम्बेडकर को ये बात ध्यान, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब गोलमेज सम्मेलन से भी निकल कर आते हैं, तो उन्होंने उस वक्त अपनी पत्रिका में, अपने लेखों में ये बार बार लिखा है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं इस वक्त, उसको भले ही स्वीकृति नहीं मिल रही है, लेकिन जिस दिन भारत का समाज, जिस दिन हमारा समाज जातियों की जो विरूपता है, जातियों की जो रुग्णता है, जिस दिन उसको समझेगा, उस दिन मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं बिल्कुल अंत में भीमराव अंबेडकर की इसी टिप्पणी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, और वो ये है, की बात कर रहे हैं कि केंद्रीय विधायिका में गांधी और कांग्रेस ने मंदिर प्रवेश बिल रखा था, पर जब नजर आया कि श्रवण जातियां खिलाफ है, तो वो बिल वापस ले लिया गया। लेकिन ये काम अगर आप देखिए, भगत सिंह और उनकी पार्टी के लोग जो कर रहे थे उस वक्त, ये बिल्कुल अलग धारा थी। इसलिए मुझे बार बार ये लगता है और चाह रहा हूं आज मैं आप लोगों के सामने, कि ये दोनों धाराओं का एक न हो पाना भारत के आधुनिक इतिहास, खासकर स्वाधीनता आंदोलन की एक बहुत विडंबनापूर्ण स्थिति है, और उसका करेक्शन कैसे हो, आज की काल का सबसे बड़ा चैलेंज है। और वो मैं अम्बेडकरवादी साथियों से भी जरूर कहूंगा कि अम्बेडकर को सिर्फ देवता मत बनाइए। अम्बेडकर के गुण खड़ा कर दिया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पूरे देश के हर गांव में अम्बेडकर आ जाए, लेकिन अम्बेडकर को पढ़ने की जरूरत है। अम्बेडकर को भगवान मत बनाइए, भगवान बनाकर इस देश में लोगों ने जितना नाश किया है, उतना उतना कोई और नहीं किया है। तो आप भगवान मत बनाइए, अम्बेडकर एक जीती जागती तस्वीर है बदलाव की। अम्बेडकर इस देश में क्रांति के और परिवर्तन का सबसे बड़ा महानायक है, और भगत सिंह के साथ अगर आप इससे जोड़ते हैं, तो अम्बेडकर और भगत सिंह से ज्यादा पड़ा कोई और विकल्प इस देश में बदलाव का नहीं हो सकता। ये मेरी अंतिम बात है, लेकिन फिर से इस किताब पर बोलने की ख्वाहिश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और प्रकाशन दोनों अनुवादक।